तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए फिर से एक ट्रेंडिंग इफेक्ट वाला वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने जो प्रीव्यू में स्टेटस वीडियो देखा है दोस्तों, इस तरीके का स्टेटस वीडियो अगर आप सब भी एडिटिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक देख लो। मैं एकदम आसान तरीके से आप सबको बताऊंगा कि इस प्लेस वाला इफेक्ट आजकल कैसे लगाया जा रहा है और उसमें कैसे मतलब क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में आप सबको आज बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है लार्ड मोशन। अगर आपके पास पहले से तो आप इसे ओपन कर लीजिए, नहीं तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में आप मेरे से बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देना है, बीट मार्क एंड इफेक्ट आपको ये दो प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सबको इंपोर्ट करना नहीं आता है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है और बहुत सारे बंदों को इंपोर्ट करना नहीं आ रहा, तो भाई मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि भाई आपने अपना लाइन मोशन को लॉगिन नहीं किया। लॉगिन पहले करो, मतलब साइन इन करो, उसके बाद आपका जो है इंपोर्ट होगा। और अगर आप सबको साइन इन करना नहीं आता तो आप सब मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर से जरूर लाऊंगा। उसके बाद आप सबको बीट मार्क सबसे फर्स्ट ओपन करना है। दोनों इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बीट मार्क मैंने लगा के रखा, आप सबको कंफ्यूज नहीं है, बीट मार्क में एकदम छेड़खानी नहीं करना है आपको। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सबको समझा देता हूँ, यहाँ पे बीट मार्क बाय बीट मार्क आपको क्लिप ऐड करना है। मैंने पिछले दो तीन वीडियो अपलोड किया, उन सब में मैंने आप सबको बताया कि कैसे वीडियो क्लिप को यहाँ पे ऐड करोगे। सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और कोई सा भी क्या बोलते हैं वीडियो आप उठा लीजिएगा कहीं से भी आप डाउनलोड करके। उसके बाद आप सबको इसे ले लेना है, ओके। तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा, उसके बाद आप सबको इसे इसका आपको क्लिप देखना है। तो यहाँ पर मैं आप सबको दिखा देता हूँ, कोई सा भी मैं एक क्लिप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको पहले तो आपको इसका ऑडियो म्यूट कर लेना है, उसके बाद एक बार बैक चल जाइएगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है, इसको दो नंबर पे क्लिक करके -90 डिग्री रोटेट कर लेना है। फिर आपको इसे जो है दो तीन पॉइंट इस प्रकार से जूम कर लेना है पूरे इस तरीके से। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इसका जो है क्या बोलते हैं क्लिप चाहिए इस वीडियो का, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसका आपको थोड़ा इधर ट्रिम कर देना है, पूरे इधर फर्स्ट तरफ आ जाना है और उसको क्लिक करके करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है यहाँ लाना है। तो आपका यहाँ पे एक क्लिप ऐड हो गया, तो आपको यहाँ पे इसको बीच से जो है ट्रिम कर देना है। फिर आपको देखना है कि आगे कोई और क्लिप तो नहीं चाहिए, तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे और एक क्लिप मेरे को मिल रहा है तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दूसरा ये वाला क्लिप मैं ऐड करूंगा, तो आपको यहाँ इधर का पार्ट आपको कट कर देना है और इधर आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो है इधर पहुँचा देना है। उसके बाद आपको बीच से फिर से इस प्रकार से कर देना है, इसी प्रकार आपको इधर जो है क्या बोलते हैं क्लिप सब ऐड कर लीजिएगा, ओके, यहाँ तक 1.5 सेकंड तक। उसके बाद आप सबको क्या करना होगा, सिंपल तरीके में बता देता हूँ। अगर आप सबको यहाँ पे और एक मैं मतलब क्लिप में ढूंढ लेता हूँ, मैं कोई सा भी एक क्लिप यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप सबको बताने के लिए, तो मैं यहाँ पे ये क्लिप ऐड कर लेता हूँ, इस पर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ और इधर आपको यहाँ पे लाना होगा। आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ पे आप समझ लीजिए फ्रेंड्स आपने यहाँ तक कर लिया, तो आपको इस लास्ट बीट मार्क से आपको उसको यहाँ तक लाना होगा इस प्रकार से, ओके, जैसे आपने इन दोनों को लाया था। तो इधर को भी कर देना है और इधर तो आप सबने किया ही होगा। उसके बाद आप सबको इधर आपको इस बीट मार्क को छोड़कर आपको जहाँ पे डबल बीट मार्क मिलेगा आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको यहाँ बीच से कट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको और एक क्या बोलते हैं फोटो का जरूरत पड़ेगा और इसको क्लिक करिएगा, इधर का पार्ट कट कर दीजिएगा और इधर आ जाइएगा, यहाँ पे अभी एक बीट मार्क मिलेगा जो बीच पे मिलेगा वहाँ पे आपको उसको लाना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको कट कर देना है। तो इसी प्रकार जैसा मैंने इफेक्ट वीडियो क्लिप ऐड किया था इन दोनों को जैसे ऐड किया था उस प्रकार से आपको यहाँ तक करना है। उसके बाद आप इन दोनों जैसे ये दो जो क्लिप है इसको आपने कैसे ऐड किया था इस प्रकार से आपको इधर भी क्लिप ऐड करना है। ऐसे में आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स, मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो है किस प्रकार से मैंने ये सब मतलब पूरे लास्ट तक क्लिप सब ऐड किया
उस प्रकार से आपको ऐड करना है, इस प्रकार से देख सकते हो। मैंने दूसरे वीडियो का क्लिप यूज़ किया, आप किसी भी वीडियो का भी क्लिप यूज़ कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से जो है कर लेना है। मैंने तो आप सबको फर्स्ट बता दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे आधा और इधर पूरे लास्ट तक कर देना है, इस प्रकार से पूरे लास्ट तक इधर कर देना है, इस प्रकार से देख सकते हो। ओके, यहाँ पे यहाँ से करना है इसको और यहाँ से करना है इसको। ओके, इस प्रकार से आपको ऐड कर दे। उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ तक समझ ही गए होंगे। उसके बाद अभी आपका मेन पॉइंट अभी इफेक्ट लगाना है। ओके, अपने वीडियो क्लिप तो ऐड कर लिया पूरे के पूरे, अभी आपको इफेक्ट लगाना है। तो आपको यहाँ पे बीच पे सबसे फर्स्ट पे आ जाना है, यहाँ पे बीच पे मतलब इस बीट मार्क में आपको ये अभी लंबा वाला लेयर सबको ढूंढना है। आपको इस पे अभी छोटा वाला जो है फ्रेंड्स, ये इस पे आपको लोहा इफेक्ट लगाना है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, आपको ये एक शेप ले लेना है, ये शेप ले लीजिएगा सर्कल वाला। उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है और इधर आपको आ जाना है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट वाला जो है क्लिप देखना है, ये वाला फर्स्ट वाला। इधर श्रद्धा कपूर है तो आपको इधर इसका सेकेंड वाला जो क्लिप है ये वाला, तो इसका फेस आपको इधर कर देना है कुछ इस प्रकार से, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म आके इस प्रकार से। ओके, उसके बाद आपको जो आपने अभी सर्कल लिया था, सर्कल जो इसको आपको इस प्रकार से कर देना होगा, और इस फोटो जहाँ तक है इसका लेंथ, उस प्रकार से इसका लेंथ भी कर देना होगा, कट कर देना होगा। उसके बाद आप सबको क्या करना होगा, देख सकते हो, इसको आपको इधर जाना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में लेके इधर जाना है। उसके बाद आप सबको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इधर आपको इधर आ जाना है, यहाँ पे फर्स्ट पे एक की लगा देना है, पूरे लास्ट तक आ जाना है, फिर से एक की लगा देना है। उसके बाद आप इस प्रकार से इसे जूम कर लीजिएगा थोड़ा। ओके, जूम कर लीजिएगा और इसको आपको इस प्रकार से कर देना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कर्व वाले ऑप्शन पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कर्व के जो जहाँ पे आपने जूम किया था इस ऑप्शन पे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे आपको कर्व लगाना होगा कुछ इस प्रकार से। ओके, कर्व लगा दिए। उसके बाद एक बार आप सिंपली बैक चले जाओगे, इफेक्ट एक प्रोजेक्ट में दिया रहूँगा, यहाँ पे सिंपली आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे मैंने फोटो ऐड किया था, छोटा वाला फोटो फर्स्ट पे ऐड किया था, फिर यहाँ पे लंबा वाला लेयर, फिर थोड़ा छोटा वाला लेयर, आपको यहाँ पे देखना है उसी प्रकार से है। ओके, तो अभी आपने जो मतलब ये वाला इस प्रकार का जो मैंने फोटो ऐड किया था, इस प्रकार का फोटो में जो है वहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। ओके, इस प्रकार का फोटो पे, तो आपको इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद बैक चले जाइएगा, बीट मार्क में रिटर्न आ जाना है। फिर अभी आपको जो है क्या बोलते, जो अभी आपने सर्कल लिया था जिससे, उस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद आप सबको इस पे इसको और इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना और आपको इस बीच पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो है लग जाएगा इस प्लेस का इफेक्ट। ओके, उस प्रकार से आपको यहाँ पे भी लगा लेना होगा, इस फोटो पे भी इफेक्ट लगा लेना होगा, जैसा एक नंबर इधर किए उस प्रकार से आपको इधर भी कर लेना होगा। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स ये जितना है सब में जो है इफेक्ट लगाने के बाद। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप सबको बताया था, इस प्रकार से आपको इफेक्ट लगाना है, ग्रुप बनाते जाना है कुछ इस प्रकार से, इधर का फोटो में इस प्रकार से कुछ पूरे लास्ट तक जितना भी आपका मिलेगा इस प्रकार से आपको कर देना है। इस प्रकार से करने के बाद एक बार सिंपली फिर से बैक चले जाओगे, इफेक्ट का प्रोजेक्ट में आपको रिटर्न आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे जो है अभी ये इफेक्ट आपने कॉपी किया था वहाँ पे लगाया था, और ये वाला ये नहीं किया था, तो आपको इस पे सिंपली आपको फर्स्ट वाला पे क्लिक करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना, बैक चले जाइएगा। फिर आपको बीट मार्क में जिस प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अभी जितना जितना आपने फोटो यहाँ से इस बीट मार्क से जितना आपने फोटो ऐड किया था सब में लगाना है, जो अभी आपने इफेक्ट कॉपी किया था। तो इस पे क्लिक करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर आपको इधर आ जाना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर आपको तीसरे वाले पे भी इफेक्ट कुछ इस प्रकार से पेस्ट करते जाना है, जहाँ तक मैंने बताया फ्रेंड्स कि लास्ट तक इसका जो है छोटा छोटा जितना भी क्लिप आपको मिल रहा है सब क्लिप में आपको इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। देख सकते हो, कुछ जैसा मैं आप सबको मतलब करके बता रहा हूँ, आप सबको भी इस प्रकार से इफेक्ट पेस्ट कर देना है जितना आपका रहेगा छोटा छोटा क्लिप सब। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये लास्ट वाला है, तो यहाँ पे भी मैंने इफेक्ट पेस्ट कर दिया। तो छोटा छोटा वाला में आपका इफेक्ट पेस्ट हो गया। उसके बाद फिर से एक बार बैक चले जाओगे, फिर से आपको इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट पर आपको आ जाना है। फिर अभी लंबा वाला जो है फोटो है इस पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना। फिर बैक चले जाइएगा, बीट मार्क में रिटर्न आ जाना है। फिर जो अभी लंबा वाला लेयर रहेगा आपको लंबा वाला पे भी क्लिक करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर आपको लंबा वाला पे क्लिक करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर आपको तीसरे नंबर पे भी इफेक्ट पेस्ट कर देना। फिर आपका जो चौथा नंबर वाला बचेगा उस पे भी आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना। फिर आपका लास्ट वाला या फिर पांचवा नंबर जो है उस पे भी आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो, जैसा मैंने आप सबको प्रीव्यू में दिखाया था, वीडियो यहाँ पे मेरा चल नहीं रहा है, थोड़ा तो लैग करेगा फ्रेंड्स, लाइट मोशन से एडिटिंग करने से थोड़ा लैग करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसा मैंने आप सबको प्रीव्यू में दिखाया था उस तरीके से एडिटिंग करके बता दिया। यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको इस ऊपर में इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।